आज तो टप्पू के पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। ओ मेरी दया रानी। आओ ना शर्माओ ना, आओ ना घबराओ ना। ओ मेरी दया रानी। ओ मेरे अप्पू राजा। अप्पू राजा? अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपका नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारे पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस बस दया, बस समझ गया। देख मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती जा रही है। हाँ तो खाने तैयारी है, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। मैं यूं गया यूं आया। तारारा तारारा तारारा। अरे ये ट्यूबलाइट को क्या हो गया? अरे ये क्या खेल रही है दया, ये का खेलने का टाइम है? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई है। हाँ तो ऐसे स्विच चालू बंद करके तो बिगड़ ही जाएगी ना। अरे ये मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है, आप जैसे ही रूम में गए ना तब अचानक ये ट्यूबलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। इसलिए इसे चेक करने के लिए मैंने स्विच पहले बंद की फिर चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। मैंने फिर से स्विच बंद की और फिर से चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। अब स्विच बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो जाती है, लेकिन चालू करती हूँ तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। दया अभी तू जो चालू हो गई है जरा बंद हो जा और ट्यूबलाइट को छोड़ अभी। एक काम कर, बहुत भूख लगी है, खाना दे भाई। देखिए ये डिस्को लाइट में आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा। अब्दुल भाई को बुलाइए ना, वो फटाफट लाइट ठीक कर देंगे। अरे अभी कहाँ अब्दुल को बुलाने जाऊँ मैं। एक काम करता हूँ, ये डिस्को लाइट में खाना नहीं खाता हूँ, अंदर बेडरूम में दे दे, अंदर बेडरूम में खाना खाता हूँ। भूखे इंसान, कितने दिन से भूखा है तू? 2 मिनट भूख बर्दाश्त करके ये ट्यूबलाइट ठीक नहीं कर सकता? और बेडरूम में लेटे लेटे कोई खाना खाता? बहू तू स्टूल लेकर आ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं बापू जी, मैं बुला कर लाता हूँ अब्दुल को। अरे यार इसमें अब्दुल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे जरा से ये ट्यूबलाइट घुमाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहू तू जा स्टूल लेकर। बापू जी आप बैठिए, वो ट्यूबलाइट को मैं घुमाता हूँ। बैठिए आप बैठिए। दया जा स्टूल लेके आ जा। जोरदार भूख लगी है तभी ट्यूबलाइट को बिगड़ना था। क्या क्या अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कौन तू? मैं तो कुछ बोला ही नहीं बापू जी। राख इधर लीजिए। क्या ट्यूबलाइट मैं ठीक कर दूंगी, अब हाथ मुंह धो लीजिए। बापू जी मुझे धो डालेंगे। ए भाई किसकी राह देख रहा है, चल। नहीं ये दे नहीं रहे, देना भाई क्या कर रही है, ला इधर। हश हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ तेरी बात सही है जेठा, अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसका हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को बुला। तो सोटी चलेगा? मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी, क्या है? एक काम कर कोकी को बुला, कोकी को बुला। चोरी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है, खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर नीचे उतर मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं नहीं बाबू जी मैं करता हूँ। दे तू एक काम कर, तू यह स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे गधे?
ए तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। खा खा के वजन बढ़ाया लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था, कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। बापू जी ये भगवान, अरे आप शांति रखिए, खड़े हो जाइए, लगाते नहीं आपको बापू जी। अरे ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई उसमें आप तो बात को कहां से कहां लेके गए बापू जी, आप शांति रखिए सब ठीक हो जाएगा। चुप रे, अक्कल वगैरह से डांट दो। घर में बड़ा टेबल तो है ही नहीं, मैं एक काम करती हूँ, स्टूल के ऊपर मैं डिब्बा रख देती हूँ, आप उसके ऊपर चढ़ जाए, आपका हाथ पहुँच जाएगा। तो पागल हो गई है, और टेबल के ऊपर यार रख के मैं, अरे क्या तू ले ले, ला मैं जाता हूँ। अरे बापू जी ले ले, मैं चलता हूँ। मैं जाता हूँ। ये रिंग मास्टर जैसे बापू जी की वजह से क्या क्या सर्कस करना पड़ रहा है। अच्छा जरा हाथ देना। इसे नहीं भाई, पोछा हाथ पोछा। अरे मेरा तो हाथ छोड़िए। टपके पापा, ट्यूबलाइट निकली गई है तो जरा साफ कर देंगे। हाँ जरूर बापूजी, वो जरा देंगे। इससे नहीं 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 बापूजी, ये नहीं, वो नीचे वो जो कपड़ा पड़ा है ना। सॉरी दया, थोड़ी उस तरफ खड़ी रहना, तू भी नीचे ये खस्ती नहीं है। सॉरी। ओ हो गई, बस रख दी तू बस। चालू ही नहीं हो रही है। टप्पू के पापा, मैंने स्विच बंद कर दी है। अरे स्विच क्यों बंद की तूने दया? आपको शॉक ना लगे इसलिए। अब अभी चालू कर दे। हो गई। अरे बाबूजी ये बिगड़ गई है, दूसरी नहीं डालनी पड़ेगी। नहीं नहीं तो काम कर, वो स्टार्टर है ना, उसको थोड़ा घुमा घुमा के देख चालू होती है कि नहीं। हो गई। देख हो गई ना। हो गई बाबूजी, हो गई। छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाना है ना, सोड़ी को बुलाना है। सॉरी बापूजी। चल चल नीचे आ जा, संभल के। चल अभी हाथ मुंह धो के खाना खा लो।
आपने बहुत मेहनत की है, अब तो खाना खाने का और मच जाएगा। मैं अब भी खाना परोसती हूँ। टप्पू कहाँ है, उसने खाना खा लिया? अरे वो तो कब का खाना खा के क्लब हाउस खेलने चला गया। अच्छा अच्छा, तो जल्दी खाना परोस भाई। ये ट्यूबलाइट को पता नहीं क्या हो गया। अय्यर को फोन करके कहती हूँ अपने साथ किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए। ओह गॉड, फोन क्यों अनरीचेबल है? मजा आ गया तो खाने का, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। बापूजी कहाँ हैं? बापूजी टप्पू के साथ गाड़ी की रेस लगा रहे हैं। अरे कंप्यूटर पर। बापूजी भी कमाल है, मेरे सामने बापूजी बनकर मुझे डांटते हैं और टप्पू के साथ बच्चा बनकर बच्चा की तरह खेलते हैं। दादा और पोते का रिश्ता ही दोस्ती का रिश्ता होता है। अब आप भी टप्पू के साथ पापा बनकर ही रहते हो ना? देखना, जब टप्पू के बच्चे होंगे ना, तब आप भी उनके दोस्त बनकर रहोगे। फिर आपकी पीठ पर बैठकर हमारे पोते हाथी हाथी खेलेंगे। सॉरी सॉरी, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। लुच्ची हाथी हाथी छोड़िए ना। क्या 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 बोल रहे हैं? हाथी हाथी छोड़िए ना अपना। बोला कि हाथी हाथी बोला कि छोड़िए अपने छोड़िए। क्या कर रही है? छोड़िए। अरे तू छोड़। नहीं पहले आप छोड़िए। अरे छोड़ छोड़। नहीं पहले आप छोड़िए। अच्छा अच्छा, दोनों साथ में छोड़ते हैं। एक मिनट त्रय। अरे छोड़। चल पांच सात आठ उठ। दस पे छोड़ने को था। आता हूँ सोडा पी के। मुझे हो गया। अब तो दो सोडा पीनी ही पड़ेगी। देखना मैं ही जीतूंगी। अच्छा। कैसे हम आदमी बाबे? क्या जेठा भाई? सॉरी सॉरी। ओ अच्छा खेल रहे थे, मैंने हलो बोला तो मिस कर गए। थैंक यू जेठा भाई। रसन भाभी बोल रहे थैंक यू देखो। चल चलो चलो मैं जीत गई। अब देखना ये अजीत सिंह 30 तारीख के पहले चेक नहीं देगा। नहीं हर बार का है भाई ये। कैसे हो अंकल? अंकल जेठालाल, अंकल किसको बोला? तुम दोनों में से किसी एक को। अच्छा मतलब पोपटलाल को? नहीं नहीं, क्या पोपटलाल को, क्या पोपटलाल को भाई? अंकल तुम दिखते हो, तुम पुराने जमाने के हो। पोपटलाल यहाँ पर किसी को भी पूछो कि कौन अंकल दिखता है, सब लोग यही बोलेंगे कि पोपटलाल अंकल दिखता है। खबरदार भीड़, अगर मुझे अंकल बोला तो। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई तो? अरे भाई अपने सर पे देखो, अंकल तुम हो तुम। पोपटलाल खबरदार, जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो मैं तुम्हारा ये छाता तोड़ दूंगा। अगर तू मेरा छाता तोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो बच्चे कुछ बाल है ना, वो भी काट दूंगा मैं। पोपटलाल तुम हद से। ओ पोपटलाल जी देखो यहाँ पे, हम दोनों को बेवकूफ बना के जेठालाल शकुनी की तरह हंस रहा है। भाई जेठालाल जरा शर्म करो, दो सज्जन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा करवा रहे हो। वही वही, शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। दो सज्जन पढ़े लिखे होने के बावजूद गवारों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। वैसे पोपटलाल तुम तो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, भिड़े ने चालू कर दिया। हाँ शुरुआत भिड़े ने की। शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तुमने। क्या जेठालाल सास बहू की सीरियल देख के आ रहे हो? हमें झगड़ा क्यों लगवा रहे हो? ऐसे टाइम पास। मेहता साहब, अय्यर, सोडी, आती भाई सब लोग सोडा पीने के लिए आए, तब तक थोड़ा मनोरंजन।
अब भाई बीड़े आगे से होशियार रहना, इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना। और तो रोशन मेरी जान माई डार्लिंग, और करके जा भी तेरे पास है। हाँ मरी। ओ गोगी सो गया, मैं अभी थल्ले आता हूँ। अच्छा अच्छा आजा। ओए जेठा ब्रा, ओए पप्पू पिडू, और दो मिनट वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। इकट्ठे चलते हैं अब्दुल की दुकान पे सड्डा पीने। आजा आजा भाई, तेरी राह देख रहे। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। गॉड दिस इज सो अननोइंग। एक काम करती हूँ, अब्दुल भाई को फोन करती हूँ, वही आके ये ठीक कर देंगे। इनका भी फोन अनरीचेबल। कांट टेक दिस एनीमोर। गोली गोली ए गोया, ए भैरिया, ए भाई, ध्यान की तरह तेरा बबीता जी बोला रहे। सॉरी सॉरी। चलो चलो जल्दी, बुला रहे बबीता जी। गोली जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। क्यों बबीता जी, क्या हुआ? जेठा जी वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं ठीक कर देता हूँ। आप तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है? हाँ, अभी मैं आया ना घर से, तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी, तो मैंने दो मिनट में ठीक कर दी। तो जेठा अंकल आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। ये बच्चे बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बराबर है, चलो चलो हम भी चलते हैं। अरे भाई सबको आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, दो मिनट में हो जाएगा, तुम लोग इधर ही रुको, फिर हमें सोडा सॉप जाना है ना, सोडा पीने मजा आएगा। बबीता जी आता हूँ। ओके मैं भी आता हूँ। किधर बेटा? बबीता आंटी के घर पे। क्यों तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना? तो फिर आपकी मदद करूंगा ना। किस तरह मदद करेंगे आप? आप स्टूल पे चढ़ोगे ना, तो मैं स्टूल पकड़ूंगा। पास गोले। तो क्या आऊं कि नहीं? चलो बेटा चलो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, रहने दे फिर। नहीं नहीं आपका हाथ शायद गलती से लग गया। ओह सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, चल चल चल। अरे ये ये। बोलिए बोलिए बबीता जी, कौन सी ट्यूबलाइट आपको परेशान कर रही है? क्या अंकल दिखने रहा है, वही तो है वो सामने लाइट जो झबुक झबुक कर रही है। बोलिए बेटा मस्ते नहीं तो ये है वो नटखट। जीठा जी, यू श्योर आपको ट्यूब रिपेयर करना आता है? बबीता जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और अब भी मेरा घर पे ट्यूबलाइट बिगड़ी थी, तो मैंने रिपेयर की। बापूजी दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ, मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। मैंने फटाफट यूं हंसते हंसते रिपेयर कर दी ट्यूबलाइट। अच्छा ले बबीता जी, ये तो कमाल इफ्तेताक हो गया। क्या हो गया? इफ्तेताक मतलब हमारे घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी और आपके घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी। ओके यू मीन कोइंसिडेंस। हाँ वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको इफ्तेताक बोलते हैं। ओके बबीता जी आपने खाना खा लिया? हाँ। बोलो मैंने भी खा लिया। और मैंने भी खा लिया, एक और कोइंसिडेंस। गोली बेटा मस्ती नहीं, हम इधर ट्यूबलाइट रिपेयर करने आए हैं। तो बोलो कहाँ से रिपेयरिंग स्टार्ट करूँ? गोली बोला ना मस्ती नहीं, रिपेयरिंग मैं करूंगा। हाँ? बबीता जी आपके पास घर में सीढ़ी होगी?
सीडी सीडी जेठा जी ये ट्यूबलाइट ठीक करना है, सीडी प्लेयर नहीं। बबी आंटी लगता है जेठा अंकल डिस्को की सीडी डालकर म्यूजिक सुनते सुनते ट्यूबलाइट ठीक करेंगे, है ना? बोले नहीं बेटा, मस्ती नहीं। बबीता जी सीडी मतलब वो सुनने वाली सीडी नहीं, सीडी वो पगथिया वाली सीडी होती है ना, जिस पे चढ़कर मैं ये ट्यूबलाइट तक पहुंच सकूं। ओह राइट, यू मीन लैडर। या ही इज ट्राइंग टू से लैडर। नहीं नहीं आता भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर लगा तो भी चलेगा। नहीं नहीं मैं लाती हूं। वाओ अंकल मजा आएगा। क्या इसमें मजा क्या आएगा तुझे? अरे मैं किसी को फर्स्ट टाइम ट्यूबलाइट ठीक करते हुए लाइव देख रहा हूं। लेकिन बेटा तेरी मजा में और स्टूल बराबर पकड़ना, कहीं मुझे घिरा मत देना। डोंट वरी अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे पापा आपका इलाज कर देंगे। अरे अरे बबीता जी आप कहाँ उठा रहे, मुझे बुला लिया होता। आप छोड़ दीजिए अभी, मैं संभाल। आप छोड़ दीजिए इसको, इधर कर। वाह क्या बात है बबीता जी, कितनी परफेक्ट है आप, क्या परफेक्ट सीढ़ी लेके आई है, हिले डुले नहीं ऐसी। वरना अभी मेरे घर पे स्टूल स्टूल के, अरे भाई अभी ये तो हिले डुलेगी नहीं, तो अभी तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या मस्त सीढ़ी लेके आए आप, आधी सीढ़ी चढ़ा के हाथ पहुंच गया, पूरा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बबीता जी, क्या है एक स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, उसको ऐसा घुमा के थोड़ा कभी धूल कचरा उधर अंदर पहुंच जाता है ना, ऐसा थोड़ा फूक मार के सब कर दिया, स्टार्टर लगा दिया, हो गई चालू, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी 2 मिनट में ट्यूबलाइट पहले की तरह जगमगा उठेगी आपके चेहरे की तरह। जेठा अंकल जल्दी करो ना। हाँ बेटा कर रहा हूँ, आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। अभी बोलो इनका शौक क्या है, बोले लाइट रिपेयर करने वाला कभी देख। करता हूँ बेटा। अरे बाप रे इसका स्टार्टर किधर है? ये भगवान बबीता जी के सामने होशियारी तो मार दी है, लेकिन इज्जत रखना, ट्यूबलाइट चालू कर देना प्लीज। टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे निकलता है, ये नया टाइप के ना, थोड़ी अलग है ट्यूबलाइट, मेरे घर पे थोड़ी अलग है, तो एक बार ये जरा रख देंगे। ये भी निकलती है, ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे। इधर पीछे छुप के बैठे देखो स्टार्टर। नटखट, ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा, अभी हो जाएगा ठीक से। जेठा जी, देवा, जेठा
बबीता जी स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ किया है मैंने, क्यों फिर से ऑन करके ऑफ करना है? नहीं नहीं नहीं, लगता है जेठालाल की दुनिया हिल गई है। वो जेठापुरा की होगी क्या? अरे वो बाद में पूछते हैं, पहले नीचे तो उतारो उसको। जेठा अंकल के हाथ से ट्यूबलाइट तो निकालो। हाँ हाँ मैं निकालता हूँ। आराम से भाई, थोड़ा और संभल कर। शॉक लगा है तो एकदम घटक बस। जेठा भाई मुट्ठी को ढीला करो। सोड़ी तू एक काम कर, जरा वहां से मदद कर भाई। लगता है शॉक ज्यादा लगा है। वो कहना शॉक थोड़ा ज्यादा लगा है, वरना मारो रोशन तो गबरू जवान छे। ओए थैंक यू सोनिया, तेरा अभी के अभी खुल जाएगा। जोर नहीं भाई, जोर नहीं, वो ट्यूबलाइट है, कांच लग सकता है हाथ में। हां सोनी भाई। अरे भाई रहने दो, रहने दो भाई, ट्यूबलाइट हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, रहने दो। अरे वो ट्यूबलाइट का तो ठीक है, लेकिन ये थ्री पिन का कुछ करो ना भाई। भीड़ है, थ्री पिन तेरे नजदीक है, तू ठीक कर। अच्छा जेठालाल थोड़ा कॉपरेट करो। नहीं, भीड़े के बस की नहीं है। वो हाथ में ट्यूबलाइट थी तो वो समझ में आता, लेकिन ये हाथ, ये ऐसे कैसे हुआ? वो एक्चुअली जेठा जी इस हाथ से वो स्टार्टर पकड़ने गए थे, तो उसी में उनको शॉक लगा। ओ जेठापरा, ओ जेठापरा तुसी ठीक तो ना? ओ कुछ बोलो। ओ जेठापरा कुछ बोल नहीं रहे, वो शॉक से कहीं इनकी आवाज तो नहीं चली गई? जेठा जी नहीं। आवाज़ है भाई, आवाज़ है। खुशी खुशी भाई। कपसना बबीता जी, शॉक लगा कैसे? मेरे भाई वो मैंने कहा ना कि जैसे वो स्टार्टर घुमाने गए ना, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। ओ मैंने तो लगता है इसकी वायर शॉर्ट हो गई है। ये आजकल के वायर का कोई भरोसा ही नहीं है, सब डुप्लीकेट माल। अरे वायर तो हमारे जमाने में मिला करते थे। अरे भाई वो अपना जमाना, तू आज की बात कर भाई, अभी की बात कर। जेठा भाई का क्या हाल हुआ है देखो। हाँ जेठा भाई को देखो, उनकी हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गई। पर जेठा अंकल ये हेयर स्टाइल में मस्त लग रहा है। आप सब लोग मेरे घर पे, ये जेठालाल ऐसा क्यों बैठा है? What happened बबीता? अय्यर जेठा जी हमारे बिगड़े हुए ट्यूब को ठीक करने के लिए आए थे, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा और ओह नो थैंक यू। अय्यर भाई जेठा भाई को इतना मोटा शॉक लग गया है और आप उनके थैंक यू बोल रहे हो? माल कर दा। नहीं रोजन बाबी, वो जेठालाल हमारे घर में ट्यूब ठीक करने आया ना, इसलिए थैंक यू बोला। नाइस जेस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम। शॉक तो लगेगा ही ना। क्यों क्यों क्या, जो काम आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए, जेठालाल इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। अय्यर अंकल बबीता आंटी ने तो पूछा भी था, आर यू श्योर आपको ट्यूबलाइट ठीक करना आता है ना? घर से ट्यूबलाइट ठीक करके आया हूँ, फिर वो शुरू हो गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी हम किसी छोटे बच्चे को स्टीयरिंग व्हील हाथ में दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा बच्चा ड्राइविंग सीख गया। ओ बराबर है यार, और तू तो साइंटिस्ट है, मेरे गैराज में आके थोड़ी ना गाड़ियां ठीक कर सकता। करेक्ट है, उसी तरह सूट भी अय्यर की तरह लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट, वो क्यों नहीं कर सकता भाई? वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट मैं कर जरूर सकता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे हो, जेठा भाई को शॉक लगा है, उनके बारे में सोचिए ना जरा। लगता है जेठालाल बहुत डर गया। नहीं जेठा भाई की आवाज कांप रही है। हम
लोग जल्दी से जल्दी चेटा भाई को डॉक्टर हाथी के यहाँ ले चलते हैं। करेक्ट सुनिए। नहीं कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना। नहीं खुद के घर जाना है। नहीं इतनी कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। बोले आप एक मिनट, जेठालाल तुम्हें डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाना है, खुद के घर नहीं जाना है, तो फिर इस हालत में कहाँ जाना है? दुकान? नहीं इसे घर लेके चलते भाई, चलो ये। ओ चलो जी चलो, जेठा को उठा के घर ले चलते हैं। नहीं। क्या हुआ जेठालाल, घर नहीं जाना? अरे क्या हाँ नहीं चल रहा है तुम्हारा जेठालाल? नहीं नहीं एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जाने के लिए तैयार है लेकिन उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं है। बगा बगा। अच्छा मतलब तुम खुद से घर चलना चाहते हो? हाँ तो चलो चलो। अंकल आपका ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हैं। जरा कल ट्यूबलाइट तो दया कर जाओ। चलो जेठालाल। क्या हुआ? हाथ नहीं मुझे लगा। ओके ठीक है। हाँ चलो जी मैं आता हूँ सोडा पी के थोड़ी देर में, ठीक है? अरे तारक क्या बात है, अपना गोकुलधाम इतना सुनसान क्यों है? हाँ भाई कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं होता, कहाँ गए सारे लोग? इधर चार इंच का स्टेप है इसलिए बोला। संभल के संभल के। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट इधर आठ इंच का स्टेप है। ये क्या स्टेप संभले? अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे मेहता साहब, जेठा भाई को अय्यर भाई के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करते वक्त जोरदार शॉक लग गया। ओ लगता है बहुत जोर का झटका लगा है, बाल भी खड़े हो गए भाई। बाप रे, जेठा भाई को जल्दी हाथी भाई के घर ले चलिए। हाँ। नहीं आ, नहीं 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 लेके जाएंगे, तुम्हें अपने घर जाना है ना। हाँ वही लेके जा रहे। अच्छा चलो घबराओ मत जेठालाल, तुम्हारे घर ही चलते हैं। आओ आ जाओ। ओ बिडो भाई जी की कैसे है यार? शुगर है मैं से जो हो ना, मैं तनु कह रहा हूं। गोली एक काम कर, तू घर पे जा और पापा को जेठालाल के घर पे जल्दी। हां देखा दादाजी, आज फिर मैंने आपको कार रेसिंग में हरा दिया। अरे तो क्या हुआ, तू देखना कल मैं तुझे हराऊंगा। देख नहीं नहीं मैं नहीं हारूंगा। अरे क्या है देखना, तू देखना। नहीं मैं जीतूंगा। अरे अंदो संभल के जेठालाल, संभल के। तो क्या हुआ? अंदो 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 आराम से आराम से आराम से एकदम संभल के जेठालाल। क्या हुआ जेठिया? बैठो बैठो बैठो। अरे क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ आपको? हाथ मत लगाना दया बाबी, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे चाचा जी, जेठालाल अय्यर के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसे। ये क्या अनर्थ हो गया? टप्पू के पापा आपको ज्यादा करंट नहीं लगा ना? बोलिए ना, आप ठीक है ना टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप ठीक हो ना टप्पू के पापा? ठीक हो ना? खतरनाक करंट था, पूरे बदन में अभी भी तम तम हो रहा है, ऐसे लग रहा है पूरे बदन में लाल चींटियां दौड़ रही है। कुछ ही पल का करंट था लेकिन क्या करंट था, सात जन्म सात पीढ़ी याद दिलाती, भगवान दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक करंट का एहसास ना करवाए। टप्पू के पापा लगता है आजकल आपकी कुंडली भारी चल रही है, हमें करंट हवन करवाना पड़ेगा। करंट हवन? हाँ देखिए ना, आज फिर आपको करंट लगा, और उस दिन पता है मोबाइल चार्ज करने रखा था और आप लेने गए और आपको करंट लगा था। ओए जेठा प्रा, अगर ये करंट इंसान होता ना तो मैं इसको जम के पकड़ के ऐसे पटकता ना, ऐसे पटकता ऐसे पटकता कि ये करंट कभी भी किसी को करंट मारने के लायक नहीं रहता। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे नीचे देख। अरे ठीक है
सॉरी पोपू, सॉरी भाई, मैं करण नहीं, पोपंट हूँ। ए पोपंट, पोपट हूँ। सॉरी सॉरी पोपू यार, सॉरी सॉरी। वैसे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। जेठा जी, आप हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपके साथ ये हादसा हो गया। I'm very sorry about it, please। मेरे टुकु के पापा। नहीं बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये डबल ढोलकी कभी बोलता है शरीर में तम तम हो रहा है, कभी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख तेरा चेहरा, देख कितना डरा हुआ है तू। हाँ पापा, बी स्ट्रॉन्ग। जरा सा ट्यूबलाइट का करंट ही तो लगा है। टप्पू, भले ट्यूबलाइट का करंट लगा हो लेकिन जोरदार करंट लगा है। हालत तो देख तेरे पापा की, दिन में भूत देख लिया हो ऐसे हो गए है। अरे अरे, हाथी भाई को आने दीजिए। अरे हाँ, हाथी भाई जल्दी आइए। आइए हाथी भाई, आइए। आओ बैठे। अब जल्दी से टप्पू के पापा को जाग कीजिए। देखता हूँ, दो मिनट। झूठ लेगी क्या? I'm ready. जेठा भाई, बहुत जोर से शॉक लगा। हाँ हाँ, बहुत जोर से शॉक लगा है। देख अभी तक डरा हुआ है। Let me check. वायर दूर रखिए। अरे जेठा भाई, स्टेथोस्कोप। शांति रखिए एक मिनट। सॉरी। अरे जेठा भाई, थोड़ा कॉपरेट कीजिए ना। लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, फिर से छोड़िए। अब थोड़ा खांसी है तो खांसी है। बस बस बस, हो गया, सीधे बैठ जाइए। जीठा भाई, वैसे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन दया भाभी मुझे क्या लगता है कि जेठा भाई को इतनी जोर से शॉक लगा है कि इनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। जी, करंट दिल में बैठ गया है, अब उसे दिल से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैंने कहा कि उनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। डर डर, मुझे लगता है इनको फोबिया हो गया है। फोबिया? फोबिया नहीं, फोबिया। फोबिया यानी कि कुछ लोगों को किसी भी छोटी बड़ी बात का बहुत डर लगता है, जबकि वो बात हमारे लिए बिल्कुल छोटी होती है। पर जिन्हें फोबिया होता है उनके लिए ये बात जानलेवा डर जैसी होती है। किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को कमरे में कैद होने का फोबिया, किसी को रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट होने का फोबिया। वैसे ही लगता है जेठा भाई को इलेक्ट्रिक करंट का फोबिया हो गया है। मतलब टप्पू के पापा अब जिंदगी भर ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं नहीं, एक दो दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे तो अच्छा है, वरना किसी इलेक्ट्रिशियन को बताना पड़ेगा। मतलब किसी स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा। नहीं, सही बात। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। जेठा, हाथी लाके फीस दे दे। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप तो बिना वायर के करंट दे रहे हो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरी फैमिली जैसी है, और अपनी फैमिली वाले से कोई फीस लेता है क्या? और हाँ, अगर फीस देनी है ना तो जेठा भाई ठीक हो जाए तो आम रस और पूरी की पार्टी दे दीजिएगा। बस खाने की बात। आम का सीजन तो आ ही गया है, क्यों? सही बात है कि नहीं?
और जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आराम से सो जाइए, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो हम लोग भी चलते हैं। भाई जेठालाल ध्यान जेठा भाई अपना ध्यान रखना। चंगा दादा जी कबूतर। बाय बाय जेठा जी, ठीक है। बाय। चल जेठिया तू भी अभी बिना डरे शांति से सो जा। चल बापू जी, चल लो। आराम से शांति से सो जाइए। हाँ नहीं क्या हुआ? वो लैंप वहां से हटा दे। हाँ हाँ मैं बंद कर देती हूँ। अरे बंद नहीं, उसका वहां से हटा दे। आधी रात को अपने आप चालू हो गया और उसका करंट पलंग में आ गया तो ये क्या दिख नहीं रहा है? हाँ हाँ ये देखिए मैंने ये बंद कर दिया और इसे ये नीचे रख दिया बस। आई आई कुछ नहीं। हे माँ माता जी, टप्पू के पापा को ये क्या हो गया है? ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बापू जी। बंद कर टप्पू, बंद कर टीवी, बंद कर, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा, बंद कर। अरे पापा टीवी में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मैं पिक्चर देख रहा हूँ ना, उसमें बिजली करा जा रही है, देखो। सुबह सुबह पिक्चर देखता है, बंद कर टीवी। ए भाई अभी भी डर रहा है, पूरी जिंदगी क्या डरता ही रहेगा? अरे लाइट तो हर जगह होती है तो क्या घर में ही बैठा रहेगा? और घर में भी लाइट तो होती ही है तो क्या जिंदगी भर छत पे जाकर बैठा रहेगा? ये देख पेपर में क्या लिखा है, शिमला में एक आदमी को बाथरूम में नहाते वक्त गीजर से शॉक लगा, तो वो क्या जिंदगी भर बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा? ये भगवान, गीजर तो मेरे बाथरूम में भी है, मुझे भी शॉक लग सकता है। नहीं नहीं आज से मैं बाथरूम में नहीं नहाऊंगा। पापा आप नहाने जा सकते हैं, मैंने कपड़े धो लिए। बाथरूम में कैसे जाऊं? क्या सोच रहा है, नहाना नहीं है? नहीं है? हाँ तो जा। बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्यों? मुझे शौक लगेगा। ये नहीं लगेगा। भविष्यवाणी मत कर, बोला उतना कर। बिजली और पानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उसके बीच में जो भी आता है उसकी हालत बैंगन भरते जैसी हो जाती है। जा जाके गीजर निकाल दे। लेकिन इतना बड़ा गीजर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? तो उसका प्लग निकाल दे। ठीक है। जा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय चप्पू। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जानेदर। कैसे हो आप? चप्पू के पापा। अरे बबीता जी आइए आइए। बबीता जी मैं आपके लिए चाय और अय्यर भाई आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं देव भाभी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए, हम तो सिर्फ जेठा जी का हालचाल पूछने आए थे। मैं मर जाऊं।
थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, थैंक यू। टुप्पू के पापा, मैंने वो गीजर का प्लग निकाल दिया है, अब आप बिना डरे नहा सकते हैं। डाला, तुम अभी भी करंट से डर रहे हो? हाँ। अरे नहीं। अच्छा, तो अभी टीवी में चमकती बिजली देख के डर क्यों रहा था? झाड़ालाल, तुम अब तक इलेक्ट्रिक करंट से डर रहे हो? यो यार वैडी, मेरा हालचाल पूछने आया है कि मेरा मजाक उड़ाने आया है? भाई मैं डरता नहीं हूँ। अरे नहीं डर रहा है तो ये चेहरे पे 12 क्यों बजे? टुप्पू के पापा, सिर्फ आपका फोन बज रहा है। क्या फोन उठा? अरे बाप रे, मोबाइल तो चार्जिंग पे है, फिर से शॉक लगा तो। अरे रुक क्यों गया, फोन उठा ना भाई। बाबूजी ओ फालतू तो टाइम पास वाला फोन है, कुछ काम करनी है, वो लोन चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, वो सब। ओहो जेठालाल, क्या बात है, कमाल का नजर है तुम्हारा, इतनी दूर का नंबर देख लिया। मैं देखता हूँ। पापा, फालतू फोन नहीं, नट्टू काका का फोन है, ये देखो। अच्छा ला इधर ला। हाँ नट्टू काका बोलिए। सेठ जी, नट्टू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। सेठ जी, आज 12 बजे राजू रिसोर्ट वाले राजन भाई मिलने के लिए आ रहे हैं। आज? हाँ। नट्टू काका, इतनी बड़ी पार्टी से मुझे पूछे बिना मीटिंग क्यों फिक्स की आपने? आज नहीं, मीटिंग कैंसिल करो। अरे कैसे कैंसिल कर दूं सेठ जी, बड़ी मुश्किल से उनको समझा पटा के मीटिंग मैंने फिक्स की है, अगर आज की मीटिंग कैंसिल हो गई ना तो गाला एंड सन्स वाले जयंती भाई और सुरेश भाई इतना बड़ा ऑर्डर खींच लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, फिर आता हूँ मैं। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी सुपर प्रोफेशनल। हम लोग चलते ओके? अरे बस जा रहे बबीता जी। जड़ालाल तुम डरना मत। हाँ मैं डरता नहीं हूँ भाई। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग मैदादार। अरे हाँ मैदादार, वह जड़ालाल को पूछना मत कि उसको डर लग रहा है क्या, नहीं पूछने पे गुस्सा होता है। चलो भैया। हाँ चलो, बाय बाय बाय। कैसी तबीयत? हाँ ठीक है, खाली थोड़ा डर लग रहा है। बापूजी इतना बड़ा शौक लगा है तो जरा डर तो लगेगा ना। पापा आप जरा नहीं ज्यादा डर रहे हो। हाँ तो, अरे भाई शौक लगा बराबर है, लेकिन इतना डरने का? चाचा जी इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, फोबिया में ऐसा ही होता है, मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति ऐसी है। मतलब जेठिया की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है? अरे नहीं 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 नहीं, ये मानसिक समस्या वैसी समस्या नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये तो एक। अरे तो कैसा मानसिक प्रॉब्लम है बराबर समझाना भाई। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चाचा जी, एक मेंटल स्टेट है, हमारी मानसिक स्थिति में कई बार छोटे मोटे डर बैठ जाते हैं और ये थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं, इसलिए आप अगर जेठालाल को डांटेंगे नहीं और हिम्मत देंगे और प्यार से समझाएंगे तो इसका भी फोबिया ठीक हो जाएगा। वाह थैंक यू, एक दोस्त ही एक दोस्त की तकलीफ समझ सकता है, थैंक यू दोस्त। दया मैं सबके लिए एक मसालेदार कड़क चाय बना के लेके आ जा जल्दी। नहीं नहीं भाई, नहीं चाय भाई नहीं, मुझे अभी बहुत देर हो रही है, ऑफिस जाना है इसलिए मैं चाय फिर कभी पीऊंगा। ओके चलता हूँ। ओके जय सर। अच्छा जय जिनन चाचा जी। बाय बाय। टप्पू के पापा आप ना लीजिए। हाँ तूने सच में प्लग निकाल दिया है ना? हाँ टप्पू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने प्लग निकाल दिया है और गीजर के ऊपर कपड़ा ढक दिया है, आपको ऐसा ही लगेगा कि बाथरूम में कहीं गीजर है ही नहीं। हाँ शुक्रिया।
क्या करूं, वापस घर में भी नहीं जा सकता, जाऊंगा तो बापूजी डांटेंगे, नीचे भी नहीं उतर सकता, क्या करूं? जेठालाल क्या हुआ? अरे बाप रे पोपटलाल, अगर इसको पता चला कि मैं वायर से डर रहा हूँ तो पूरी सोसाइटी में मेरे डर का ढिंढोरा पिटेगा। ओ जेठालाल भाई क्या हुआ, ऐसे वहाँ क्यों खड़े हो? अरे वो सांप है, सांप। कहाँ सांप जेठालाल? अरे वो क्या सीढ़ियों के ऊपर दिखने रहे, वो हरा हरा देखो। अरे जेठालाल ये सांप नहीं है, बेल है, बेल। वो वहां से हवा से ऐसे उड़कर यहां तक आ गया होगा। बेल है? हाँ ये देखो। अच्छा देखो ये बेल है। अरे भाई तुम खामखा डर गए। नहीं नहीं मैं डरा नहीं था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम डर रहे हो कि नहीं। अरे जेठालाल नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बेल को सांप समझ कर डर गए थे। देखो जेठालाल एक मिनट। हेलो। नहीं नहीं बस मैं निकल ही रहा था। अरे निकल चुका हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं क्या है, चलो हास गया। हे भगवान अभी दुकान तक रास्ते में और कोई वायर ना मिले ऐसा करना प्लीज। थैंक यू प्रभु, मेरे लिए आपने रिक्शा कंपाउंड तक भेज दी, थैंक यू। आगे भाई साहब खाली है? हाँ बैठिए। ये आपके रिक्शा में कोई मीटर का लाइट का कोई वायर वायर लूज तो नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं है। एक मिनट चेकिंग करने दो भाई। चलो भाई एमजी रोड। तू कहां से आ गया? कहां से मतलब यही से, मैं इसी विंग में रहता हूँ ना। मेरा मतलब है तू कहां घुस गया भाई, उतर उतर मुझे जाना है। हाँ तो जाओ ना, नाके पे तुम्हें दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। हाँ अरे भाई तो तुमको भी तो नाके से दूसरी रिक्शा मिल सकती है ना। हाँ लेकिन जेठालाल मुझे रिक्शा अभी मिल गई है ना, तो नाके पे जाके दूसरी रिक्शा लूंगा मैं दो दो रिक्शा में जाऊंगा। अरे भाई दो दो रिक्शा में जाने की जरूरत नहीं है, वो नाके वाली रिक्शा में तुम जाओ, ये रिक्शा में मैं जाऊंगा क्योंकि ये रिक्शा मेरी है। ये रिक्शा तुम्हारी है? ए भाई ये रिक्शा मेरी है। नहीं नहीं ये रिक्शा तुम्हारी है, मेरा मतलब है रिक्शा मैंने पकड़ी है। तो फिर बैठे क्यों नहीं? मैं जरा चेकिंग कर रहा था कोई वायर लूज बूज तो है कि नहीं। ओहो हो हो हो, मतलब अभी भी दिल में वो करंट का डर है? कोई डर नहीं है दिल में, तू उतर ना भाई। देखो देखो गुस्सा आ रहा है मतलब डर है तुम्हें। हाँ अरे भाई तू उतर, मुझे दुकान जाने देर हो रही है। जेठालाल मुझे भी ये डिलीवरी करने जाना है, मेरे हाथ में सामान है जेठालाल। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तुम इसे हाथ हिलाते हुए जा सकते हो नाके तक? हाँ रिक्शा मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ प्लीज हाँ प्लीज। चल भाई मीटर डाउन है, चल चल एमजी रोड प्लीज प्लीज। हाँ ओके क्या भगवान, मुंह तक रिक्शा का निवाला भेजा और छीन भी लिया। अभी दूसरी रिक्शा मिले उसके पहले कोई वायर ना मिले तो अच्छा है।